बुलंदशहर में स्प्लेंडर बाइक सवार तीन लुटेरों से हुई खानपुर पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान तालिब नाम का शातिर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तालिब के साथी आबिद और आजाद को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा बुलंदशहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम दे चुके ये तीनों शातिर लुटेरे। पुलिस ने आरोपियों से 57,000 कैश के साथ लूट के आभूषण, दो तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद किया है। बता दें मुठभेड़ की सूचना पर खानपुर पुलिस की ढकरोली रजवाहे के पास हुई। आज लखावटी खानपुर मार्ग पे ढकरौली प्याऊ पे खानपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पे तीन युवक बैठ के आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक वापस मोड़ के भागने लगे। खानपुर पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो इन्होंने अपनी बाइक बम्बे की तरफ मोड़ी। मोड़ने के क्रम में बाइक तेज थी तो ये फिसल के गिर गए तथा भागने के क्रम में एक व्यक्ति ने खानपुर पुलिस के ऊपर एक राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा दो और साथी थे उसके जो भाग रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया। जब इनकी शिनाख्त की गई तो इनके नाम तालिब, आबिद और आज़ाद मालूम हुए तथा ये भी पता चला कि पिछले कुछ दिनों में जनपद में इनके द्वारा जो घटनाएँ कारित की गई, जैसे खानपुर में जो सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई तथा जहांगीराबाद में भी एक पनीर व्यापारी के साथ लूट हुई थी, वो इनके द्वारा कारित की गई थी। तलाशी के दौरान आबिद के पास से एक और तमंचा बरामद हुआ है और जो तीसरा व्यक्ति आज़ाद था उसके पास एक बैग था। इनके पास से लूट की सामग्री और कुछ पैसे बरामद हुए हैं, तो कुल इनके पास से दो अदद तमंचे बरामद हुए। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय भेज दिया गया है तथा न्यायिक अवरक्षा में भेज के इनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।